नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में 10वां रोज एंजियोग्राफी मोम्मा बन गई। साथी मौलिज डॉक्टर अदनान ने मलबा हुकूमत पर गिरा दिया। बोले एंजियोग्राफी का हुकूमत को ही पता है, मेडिकल बोर्ड सेहत से मुतालिक बेहतर बता सकता है। कलमा चौक के करीब अलाइट बैंक में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से बैंक का रिकॉर्ड, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस 6 मंजिल पर लगी। छुट्टी होने के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकम। नसीराबाद में तहर कत्ल की वारदात। माँ बेटा और सुतेली दादी कत्ल। तीनों अपराध को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मकतुलिन की शनाख्त 4 साला वली मोहम्मद, कनीज फातमा और रूबी के नाम से हुई। पुलिस ने दामाद इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला रूबी इमरान के भाई जाहिद की मुदैयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूलिन का ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका। सर्विसेज अस्पताल में 15 साल लड़का वजाहत सईद जहाँ बहक। लवाहिकीन का मुबैन तौर पर डॉक्टरों पर इलाज ना करने का इल्जाम। बेटे की आंखों में खून बहने पर अस्पताल की इमरजेंसी में लाई। डॉक्टरों ने चेकअप किए बगैर वार्ड में मुंतकिल कर दिया, जहां वो दम तोड़ गया। मुतासरा खातून वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। मनशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 7.5 किलो हीरोइन बरामद कर ली। हीरोइन कतर एयरवेज की परवाज 621 से दोहा स्मगल की जा रही थी। बेडशीटों के अंदर छुपाई गई। रोज के वक्फे के बाद बादल फिर बरसने को तैयार। कल से बारिश के 2 रोजा नए स्पेल की पेशगोई। दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।